लुधियाना के गुरुद्वारा फेरूमान शहीदा में जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के जन्म दिवस पर श्रोमणी अकाली दल की ओर से विशाल समारोह करवाया गया, जिसमें विशेष रूप से मुख्य मेहमान के तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा पहुंचे, जहां उन्होंने समागम में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने जस्सा रामगढ़िया जी की जीवनी के बारे में बताया। इस दौरान शाहकोट के उपचुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि एसडीएम व एसएचओ ने जो भी कार्रवाई की है वह सही है। उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया, यह अलग बात है। इस दौरान 12वीं कक्षा की किताबों से सिख इतिहास को खत्म करने पर डॉक्टर चीमा ने कहा कि ये कांग्रेस की देन है, सिख इतिहास को खत्म करना। और इसको लेकर अकाली दल और भाजपा ने संयुक्त तौर पर राज्यपाल को एक मांग पत्र भी सौंपा है। श्रोमणी अकाली दल वालों स्थानक साध संगत वालों मिलकर कौम के महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया का जन्म दिहाड़ा जोड़ा बहुत ही श्रद्धा के उत्साह के मनाया गया। मैं जिनी भी प्रबंधकी कमेटी है उस खास तौर पर साढ़े पार्टी के बैकवर्ड क्लासेस के श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब शहीद हसन जी गाभिया साहब, साढ़े लुधियाने के प्रधान जी सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों साहब, तो गुरद्वारा साहब के प्रधान साहब, सारी प्रबंधकी कमेटी, सारियां नूं दिल दीआं गहराइयां तों मुबारकबाद देना कि जिहड़ा कौम दा शाना मत्ता इतिहास है उहनूं नवीं पीढ़ी तक पहुँचाउण वास्ते अज सारिआं ने रल मिल के जिहड़ा बहुत वड्डा योगदान। अच्छा सर, शाहकोट उपचुनाव के बारे अकाली दल की कहते हैं, हुण तां मामला वी दर्ज हो गया, उस तों बाद वी देखो गल इह है कि पहले दिन ही जदों हाले इलैक्शन शुरुआत हुई है, इलैक्शन अनाउंस हुई है, उस दिन तो ही सरकार की नीयत साफ नज़र आ गई सी। जो एस डी एम भी तो एस एच ओ भी दोनों जोड़े है वो रातों रात सरकार ने बदल के लगा दी। इलैक्शन कमीशन का मैं धन्यवाद करता कि दोवें एस एच ओ भी एस डी एम भी उन्होंने ट्रांसफर कर दते, पर जिस तरह का उम्मीदवार उत्थे कांग्रेस ने दिता, मैं मीडिया को बेनती करता कि जो अक्सर उम्मीदवार का जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशन सामने आए, किसी नूं आस नहीं सी कि रेत माफिया के जिते एडे वे इल्जाम होन, सामने फोटो होन, ते कांग्रेस पार्टी जिहड़ी कह रही है असीं नवीं माइनिंग पॉलिसी लियाउणी आ, असीं माफिया नूं रोकणा, कि वह इहो जिहे उम्मीदवार नूं उत्थे टिकट दे। हुण उन्हां दी अपनी स्टेट की पुलिस ने सबूतों के मद्देनज़र परचा भी उत्ते दर्ज कर दिया। बड़ी हैरानी की गल है कि उस कैंडीडेट के नाल मुख्यमंत्री साहब कांग्रेस के मंत्री नॉमीनेशन फाइल कराने वास्ते जाएंगे जिदे उत्ते माइनिंग के माफिए के कामां करके परचा दर्ज, और रिटर्निंग अफसर उस उम्मीदवार को जिहड़े आ वह नॉमीनेशन पेपर जिहड़े आ वो एक्सैप्ट करेगा, जिहड़ा उहदी सब डिविजन के विच ही उन्हां दे थाने के विच ही जिहदे खिलाफ़ क्रिमिनल केस जिहड़ा वह दर्ज होगा। सो ये चीज़ां लोकतंत्र वास्ते बहुत वड्डियां चिंताजनक है कि तुसीं इहो जे उम्मीदवार खड़े करके जिहड़ा संदेश जिहड़ा संकेत जिहड़ा सरकार वल्लों वह लोगों को की देना चाहते। इहदा मतलब है कि जे पहला मंत्री नूं इस्तीफा देना पिया तो उहनूं राहुल गांधी ने हले जिहड़ा अपने वाले सोचा नहीं कि साडी गलती सी, रादर उस तरह का उम्मीदवार जिहड़ा फिर रिपोर्ट चोण मैदान के विच भी बाई इलैक्शन के विच जिहड़ा। सो साडा तां मुद्दा जिहड़ा साफ है, एक तां जिहड़ी सरकार ने वादा खिलाफी की लोगों के नाल किसानी के नाल धरोह किया और डिवेलपमेंट के काम सारे स्टॉप किए, ये इलैक्शन के मुद्दे बढ़ गए। और उस तो भी वड्डी गल है कि जिहड़ा पंजाब का शाना मत्ता इतिहास है, सिख कौम का इतिहास है, गुरु साहबान का जिहड़ा जीवन ब्यौरा है, उन्होंने 12वीं क्लास के जिहड़ी बोर्ड की क्लास है वो सिलेबस विचों कढ के जिहड़ी बहुत वड्डा मैं समझदा कि निंदा जो काम जो किया भी मुख्य तौर के उत्ते जो इस इलैक्शन के हिस्सा बने। गवर्नर साहब से मुलाकात हुई वफद जी कि हुण अगे की रणनीति रही है? असी सारा कुछ गवर्नर साहब के ध्यान के रखा कि 12वीं के सिलेबस के किड्डी विस्तार के एक पूरी किताब है हिस्ट्री ऑफ पंजाब जिदे सारा पंजाब का इतिहास और ही गुरु साहबान का जिन्हों की बहुत वड्डी देन है सारी मनुखता, उन्हों का इतिहास, महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास, एंग्लो इंडियन युद्ध जोड़े हुए उन्हों का इतिहास, जोड़े लोगों ने पंजाब के उत्ते देश के उत्ते हमले किए धाड़ भी आए उन्हों का इतिहास,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਗਤੀ ਲੜਕੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।